फ्रेंड्स, वेलकम टू माई चैनल। आई लाइनर लगाना तो सभी को बहुत अच्छा लगता है और काफ़ी लड़कियां इस पे एक्सपर्ट भी हैं, लेकिन कुछ लोग अभी सीख रहे हैं तो उनसे बहुत जल्दी बिगड़ जाता है। और स्पेशली जब आप ये लिक्विड वाला लैक्मे इंस्टा का लाइनर लगाते हैं तो वो इतना ज़्यादा लिक्विड होता है कि जब आप लगाते हैं तो इतनी जल्दी फैल जाता है कि आपका जो लाइनर है वो बहुत जल्दी ऊपर इधर उधर लग जाता है, जिससे बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो जब से मैंने ये ट्रिक यूज़ की है तब से मुझे ये लैक्मे का इंस्टा का लाइनर बहुत ही अच्छा लगने लगा है। और इस तरह से अगर आप इंस्टा लाइनर को लगाएंगे ये वाला लैक्मे, क्योंकि बहुत लिक्विडी होता है तो फैलेगा नहीं और जल्दी सूख जाएगा। तुरंत आप जब जैसे ही लगाएंगे वैसे ही सूख जाएगा, तो फैलने का डर कम रहेगा। तो आज मैं ये ट्रिक आपको बताने वाली हूँ, तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले जब भी आप लाइनर लगाएं तो उसे सबसे पहले शेक कर लें, जैसे कि नेल पेंट हम जब लगाते हैं तो उसे पहले शेक कर लेते हैं, उसी तरह से इसे भी आपको शेक कर लेना है। फिर उसके बाद जब आप लाइनर को लगाएं तो उससे पहले आप अपने क्रीज एरिया में कोई भी कॉम्पैक्ट पाउडर लगा सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपकी जो क्रीज एरिया है जहाँ आप लाइनर लगाएंगे वहाँ पर ऑयलीनेस नहीं रहेगी और ग्रीसी नहीं रहेगा, जिसकी वजह से जो लाइनर होता है वो और ज़्यादा फैलने का जिससे डर होता है। तो आप कोई भी कॉम्पैक्ट पाउडर लगा सकते हैं, नॉर्मल जो पाउडर होता है वो भी लगा सकते हैं। तो ये जो ट्रिक है काफ़ी हेल्प करती है लाइनर को जल्दी सूखने में भी, तो इसलिए ये लगाना ज़रूरी है। तो मैंने मेबलिन सुपर फ्रेश कॉम्पैक्ट पाउडर लिया और उसे पूरे ऊपर भी लगा लिया, नीचे भी लगा लिया कि ऑयलीनेस ना रहे, ग्रीसीनेस ना रहे और मेरा जो लाइनर है वो जल्दी सूख जाए। अब मैं ले रही हूँ लैक्मे इंस्टा का लाइनर और फिर लगाऊंगी मैं इसे आंखों पे। तो लगाने से पहले जब आप बॉटल खोलते हैं, तो जैसे ही बॉटल खोलते हैं तो जितना भी एक्सेस लगा है ढक्कन में या उसके ब्रश में, उसको आपको सबसे पहले पोंछ लेना है कि वो बार बार बीच में ना आए और वो इधर उधर लैशेस में ना लग जाए। तो उसको अच्छे से पोंछ लीजिए और जब पूरा जो अमाउंट निकल जाए ब्रश से, फिर जो एकदम ढक्कन के कॉर्नर में जो लगे होता है लाइनर, उसको ब्रश में थोड़ा थोड़ा लीजिए और फिर उसको लगाना शुरू करिए। तो इस तरह से मैं कॉर्नर से ले रही हूँ, आप देख सकते हैं मैं कॉर्नर से थोड़ा थोड़ा ले रही हूँ और फिर मैं अब इसे लगाना शुरू करूँगी। तो ये आप पे डिपेंड है आप किस तरह से लाइनर लगाना पसंद करते हैं। मैं पीछे से पहले लगाना शुरू करती हूँ, तो मैं अपनी पीछे की विंग पहले छोटी सी क्रिएट कर लेती हूँ और उसके बाद फिर मैं उसे अंदर की तरफ लेकर आती हूँ। तो इससे क्या होता है कि मेरी विंग एक जैसी रहती है और अंदर नाउ जब भी आप अब इससे क्या होता है कि पहले आप एक पतली लाइन क्रिएट कर लीजिए। इससे क्या होता है कि पतली लाइन क्रिएट करने से आपको एक बेस मिल जाता है कि हाँ आपको जो लाइनर है इसी जगह लगाना है, और फिर आप उसको धीरे धीरे उसमें अगर आपको और मोटा चाहिए तो आप और प्रोडक्ट ऐड करते जाइए और उसी के ऊपर एक दो बार या तीन चार बार उसको दोहरा दीजिए, तो जो आपका लाइनर है थोड़ा सा मोटा हो जाएगा। अब इस ट्रिक से क्या होता है कि जब आपने पाउडर लगा लिया तो उसकी जो डार्कनेस है वो भी ज़्यादा अच्छी दिखाई देती है, और हमेशा जब भी आप प्रोडक्ट लें वो एकदम बॉटल के ऊपर कॉर्नर में जो लगा होता है प्रोडक्ट वहाँ से लें, अंदर ब्रश ना डालें। अंदर ब्रश डालेंगे तो वो फिर से उसमें प्रोडक्ट लग जाएगा और जब आप लगाएंगे तो लैशेज में लगता रहेगा। तो धीरे धीरे आप इस तरह से लाइनर को लगा लीजिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैं यहाँ पे कॉर्नर से एकदम प्रोडक्ट ले रही हूँ, एकदम बॉटल के कॉर्नर से, और इसको फिर आप अपने लैशेज पे लगा सकते हैं। तो यहाँ पे भी मैंने सबसे पहले अपनी विंग क्रिएट की है और फिर धीरे धीरे उस पर प्रोडक्ट ऐड करते जाए हैं, करते जाइए और आपको पता चलता जाएगा कि कहाँ लगाना है और किस तरह से लगाना है, ऐड ऑन करते जाइए उसी में। तो जब भी आप आइलैंड लगा रहे हैं तो आप नीचे की तरफ देखते रहिए और उससे काफ़ी अच्छा लगता है, या फिर आप जो अपना मिरर है या शीशा है उसे सामने रख के भी लगा सकते हैं, तो उससे भी काफ़ी आराम से ईजी लग जाता है। एक और टिप है लगाने का कि जब भी आप कहीं बाहर जा रहे हैं, अभी तो लॉकडाउन चल रहा है तो कहीं बाहर जाना होता नहीं है, बट हाँ आप घर में प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो जब भी आप कहीं, क्योंकि हम जब भी लाइनर लगाते हैं बहुत जल्दी में होते हैं और जब भी जल्दी में होते हैं तो लाइनर हमेशा ख़राब होता है, तो जब भी आप लाइनर लगाएं तो या तो आप जाने से कुछ देर पहले लगा लें,
क्योंकि जो लाइनर है उसको थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है, थोड़ा सा, क्योंकि बहुत ट्रिकी पार्ट है ये इसको लगाना, तो थोड़ा सा टाइम पहला एक्स्ट्रा निकाल के और इसे आराम से लगाना होता है। तो आप आराम से इसे लगाइए कि आपका लाइनर ख़राब ना हो जल्दी जल्दी में, तो थोड़ा टाइम देने की ज़रूरत है। तो ये है फाइनल लुक, और इस तरह से तो आपका लाइनर काफ़ी थिक और मोटा दिखेगा और अच्छा दिखेगा, अच्छा क्वालिटी का दिखेगा, ऐसा नहीं लगेगा कि आपने कोई सस्ता सा लाइनर लगाया है। तो ये था आज का वीडियो, होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एवरीवन, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा है। तो तब तक के लिए टेक केयर एवरीवन एंड बाय।